गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज का ब्लॉग का शुरुआत मैं कर रही हूँ एकदम अर्ली मॉर्निंग से। अभी बज रहा है 4:30। मैं फ्राई करने वाली हूँ पूरी। सो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए टिफ़िन। तो आज मैंने क्या क्या बनाया है वो भी शेयर करूँगी। और आज बेटू का स्कूल में है कम्युनिटी लंच, तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा करके उसको लंच देना होगा। तो मैंने बनाया है चना मसाला, खीर और पूरी। तो आज का यही है रेसिपी। तो दोनों तो मेरा बन चुका है, हस्बैंड को भी मैंने ड्यूटी भेज दिया है देकर, और अभी मैं बेटू को खाने के लिए दे देती हूँ पूरी और सब्जी, क्योंकि बेटू को अभी तैयार भी होना है। तब तक मैं बाकी का पूरी फ्राई कर दूँगी। लगभग 15 से 20 पीस मुझे उसको पूरियाँ भेजना है उसके साथ। तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि टिफ़िन कहीं गिरा ना दे, क्योंकि थोड़ा सा तो भारी है, खुद का बैग है फिर हाथ में और एक अलग से लंच बॉक्स। तो बाद में मैंने ड्राइवर को बोल दिया था, और स्कूल जाते हुए भी और एक किस्सा हो गया था, वो भी मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। तो सबसे पहले बेटू का टिफ़िन मैं पैक कर देती हूँ। ये दोनों मतलब दो रैक का रैक वाला टिफ़िन मैंने दिया था, जिसमें मैंने सब्जी और खीर दिया था। बाद में मैंने देखा कि वो वाला टिफ़िन का जो लॉक है वो काफ़ी लूज है एक साइड से, और एक साइड से टाइट था। तो उसको मैंने अच्छे से एक प्लास्टिक बैग में बांध कर इस बैग में डाल दिया है, और पूरी वगैरह सब कुछ दे दिया, उसको तैयार भी कर दिया है। और अभी चलिए चलते हैं नीचे। सो सब लोग तैयार होके नीचे जा चुके थे, और नीचे जाने के बाद बहुत देर तक खड़ी रहे, पर गाड़ी जो है वो आया ही नहीं। फिर मैंने ड्राइवर को फ़ोन किया, तो उसको पता लगा कि वो चले गए हैं, बेटों को बिना लेके ही चले गए हैं। तो मैं बहुत गुस्सा हो गई थी, क्योंकि आज स्कूल में प्रोग्राम भी था। तो बेटू भी रो रही कि मुझे जाना है, और ड्राइवर बोल रहे कि आप थोड़ा सा मैनेज कर लो। तो मैं मैनेज कैसे करूँ, हस्बैंड भी घर में नहीं थे, मैं डुगू को लेके जाऊँ तो तैयार होने में मुझे टाइम लग जाएगा। तो बोला कि नहीं भैया, आपको ही आना है, क्योंकि मैं नहीं जा पाऊँगी। तो फिर वो भैया आए लगभग 7:45 के करीब, तब स्कूल का गेट भी बंद हो गया था। तो भैया ने बोला कि स्कूल का गेट बंद हो गया है। तो मैंने बोला कुछ कोई बात नहीं, आज प्रोग्राम है और मैं मैम को बोल देती हूँ। तो ऐसे करके बेटू स्कूल गई है। तो बहुत ही ज़्यादा झंझट हो गया है सुबह सुबह आज। एक तो सुबह उठने के बाद इतना सारा खाना बनाओ, फिर से झंझट। तो अभी मैं घर का काम कर रही हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी टाइम हो रहा है 2:15, और मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले नींद से उठी हूँ। डुगू भी उठा है और वो अभी खेल रहा है, उसको भी जस्ट मैंने अभी नहलाया। मैं भी नहाई हूँ, पूजा की हूँ। लंच बनाने के बाद, लंच मतलब सिर्फ राइस बनाया है लंच में, हस्बैंड तो आने वाले हैं नहीं, वो शाम को आएंगे, तो तभी राइस सब्जी वगैरह वगैरह बनाऊंगी। अभी फिलहाल के लिए मैंने सिर्फ राइस बनाया है, क्योंकि सुबह 4 बजे उठी थी ना हस्बैंड के लिए लंच ब्रेकफास्ट लंच बनाने के लिए, तो इतना नींद आ रहा था, डुगू भी सो चुका था, कोई काम भी नहीं, तो मैं लेटे लेटे फ़ोन देख रही थी। इतना नींद आया मुझे तो मैं सो गई, जस्ट अभी उठी हूँ। तो मैं जो सब्जी बनाया था वो है, तो उसी से हमारा तीनों का हो जाएगा, और वैसे भी शनिवार है तो भेजा बिल्कुल। और बेटू भी अभी जस्ट आने ही वाली होगी, तो उसको भी आने के बाद नहलाऊंगी। तो ये है हमारा आज का एकदम सिंपल सा लंच। लंच करना हमारा हो चुका है कंप्लीट, सबका हो चुका है, किचन भी मैंने क्लीन कर दिया है। और बेटू को तुमने थोड़ा सा खीर खाने के लिए, क्योंकि उसको खीर नहीं मिला है स्कूल में, तो खीर ख़त्म हो गया। तो मैंने बोला बहुत सारा खीर है, कितना खाओगे खाओ, तो ये अभी दूंगी मैं उसको खीर। माच आमा के दाओ কেন জানত মাছ দাও, জানত মাছ দাও, জানত মাছ। এটা কি হলো, কত মাছ? 1 কিলো। 1 কিলো কে খাবে? মাছের মুড়ো? মুড়োটা কাটছ? मैंने जब 2 कुर्ती लिया था या फिर टॉप लिया था, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया था। फिर मैंने 2 कुर्ती लिया था, वो मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया था, तो वो मैं आज अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट है ये वाला, एकदम लाइट कलर में है, ये प्रिंट है वाला, ये वाला। इसका कलर मुझे इतना पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इसका वर्क भी देखिए कितना अच्छा है, और कपड़ा भी 2 टोन में है, तो शाइनिंग वाला है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। झुमका
कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। अभी मैं करने वाली हूँ सिलाई, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा लूज आ रहा है यहाँ से, तो इसको मैं अभी स्टिच करूँगी और इसको ठीक ठाक करूँगी। ये नहीं करूँगी क्योंकि ये डेली वर्क के तरह यूज करूँगी तो ज़्यादा टाइट अच्छा नहीं लगेगा। हाथ थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही लूज है तो हाथ को थोड़ा सा ठीक कर दूँगी। तो ये दो काम है अभी, फटाक से कर लेते हैं। चलिए अगर हो सके तो मैं पहन कर भी दिखाऊँगी, ठीक है? चलिए करते हैं।